नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस शिमला के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, ये खूबसूरत हिल स्टेशन अंग्रेजों के समय से ही पर्यटकों के घूमने की पसंदीदा जगह रहा है। ये टूरिस्ट प्लेस गर्मियों में भी ठंडा ही रहता है और सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, इसलिए साल भर पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ब्रिटिश समय की इमारतें, टॉय ट्रेन और वास्तुकला भी देखने को मिल जाएगी, इसलिए फैमिली के साथ छुट्टियाँ बितानी हो या फिर हनीमून पर जाना हो, ये टूरिस्ट प्लेस बेस्ट है। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं शिमला में घूमने के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम कौन सा है और आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो शिमला के टॉप 10 लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रिज। रिज शिमला में घूमने की एक सबसे खास जगह है। शिमला आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं। ये शिमला की एक ऊंची पहाड़ी पर चौड़ी सड़क है। यहाँ दिन भर पर्यटक घूमते फिरते आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर ब्रिटिश टाइम की कई सारी इमारतें भी हैं और शॉपिंग के लिए भी कई सारी दुकानें हैं। यहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, उस समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ से दूर दूर तक की पहाड़ियाँ भी आपको साफ नजर आ जाएंगी। इसके बाद अगली लिस्ट में आता है माल रोड। माल रोड रिज के नीचे शिमला की एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आपको पैदल घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। ये शिमला में पैदल घूमने की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट हैं, दुकानें हैं, बैंक हैं और ऑफिसेस हैं। यहाँ आप शिमला की मार्केट और रास्तों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ स्वादिष्ट भोजन और शॉपिंग का मजा भी ले सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है जाखू टेम्पल। जाखू मंदिर शिमला का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि शिमला मार्केट से 2 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ से शिमला और हिमालय के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। ये जगह प्रकृति प्रेमियों और तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ का प्रसिद्ध जाखू मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भी है। इस जगह रास्ते में आपको बंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है कालका शिमला टॉय ट्रेन। दोस्तों, शिमला में चलने वाली टॉय ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये ट्रेन कालका से चलकर शिमला तक आती है, जिसमें आप हिमालय के सुंदर नज़ारों का मजा ले सकते हैं। इस रेलवे लाइन का निर्माण ब्रिटिश शासन काल में 1898 में हुआ था। इस ट्रेन का सुहाना सफर कई पुलों, सुरंगों और शहरों से होकर जाता है। अगर आप शिमला घूमने आ रहे हैं तो आप टॉय ट्रेन से भी जरूर आएं। ये आपको पुराने जमाने की ट्रेनों की याद दिला देगा। जिस तरह से पुरानी मूवी में ट्रेन और स्टेशन हुआ करते थे, वैसा ही कुछ यहाँ के नज़ारे भी होते हैं। इसके बाद अगली लिस्ट में आता है क्राइस्ट चर्च। दोस्तों, क्राइस्ट चर्च शिमला की एक बहुत ही फेमस जगह है। ये सुंदर चर्च रिज के पास ही है, जिसका निर्माण 1857 में किया गया था। इसकी वास्तुकला आज भी देखने लायक है। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं और आपने अक्सर शिमला में शूट होने वाली फिल्मों और फोटोग्राफ में इस चर्च को भी जरूर देखा होगा। इसके बाद आप घूम सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ये इमारत अपने इतिहास के लिए और वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस भवन का निर्माण 1884 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के लिए किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का समझौता 1945 में इसी भवन में हुआ था। देश की आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता था और देश के राष्ट्रपति गर्मियों में यहाँ पर समय बिताने आते थे। बाद में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने इसे उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान बनवाने का फैसला लिया। इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है कुफरी। कुफरी शिमला से 15 किलोमीटर दूर घूमने की खूबसूरत जगह है, जो यहाँ पर्यटकों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, उस दौरान यहाँ पर स्कीइंग और बर्फ़ में होने वाले कई खेल होते हैं। यहाँ आप गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में घूमने आ सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सोलन। शिमला से लगभग 40 किलोमीटर दूर सोलन नाम का एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है, जो अपने खूबसूरत मौसम और पहाड़ियों के साथ साथ मशरूम और टमाटर के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है।
ये जगह प्राकृतिक रूप से बेहद ही खूबसूरत है और साल भर यहाँ पर मौसम सुहाना ही रहता है। यहाँ तक भी टॉय ट्रेन जाती है, तो आप टॉय ट्रेन का सफर करते हुए भी सोलन तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है समर हिल। समर हिल शिमला से 5 किलोमीटर दूर एक सुंदर जगह है, जिसको पॉट्स हिल भी कहते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस समुद्र तल से 1280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप घाटियों और चारों ओर की हरियाली के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। शिमला आने वाले काफ़ी पर्यटक यहाँ भी घूमने आते हैं। अगर आप शिमला घूमने आएँ तो समर हिल के सुंदर नज़ारे देखने भी बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है हिमाचल स्टेट म्यूजियम। हिमाचल स्टेट म्यूजियम को शिमला स्टेट म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर म्यूजियम की स्थापना 1974 में हुई थी। पहले ये इमारत लॉर्ड विलियम बेरिसफोर्ड का निवास स्थान हुआ करती थी। पहले अंग्रेजों के समय में ये हवेली हुआ करती थी, इसलिए इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश शैली में ही हुआ है। यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ, पेंटिंग, हस्तशिल्प और सिक्कों का संग्रह है। अब बात कर लेते हैं कि शिमला में घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो वैसे तो शिमला में आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं। साल भर आपको यहाँ का मौसम सुहाना ही मिलेगा और ये शहर बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही तरह से भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ही जुड़ा है। गर्मियों में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना रहता है, यानी जब शहरों में भीषण गर्मी पड़ती है तो उस समय भी यहाँ का मौसम सुहाना ही रहता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रहता। और सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में चारों तरफ आपको जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सब हरी भरी नज़र आएंगी और फॉग भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप किसी भी मौसम में आते हैं तो आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे गर्मियों और सर्दियों में ही आना पसंद करते हैं। अब अगर बात की जाए कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, अब अगर सबसे पहले बात की जाए बस की, तो आपको बसें कई बड़े शहरों से डायरेक्ट शिमला के लिए मिल जाएगी। और अगर दिल्ली से बात की जाए तो दिल्ली से शिमला की दूरी 350 किलोमीटर है और यहाँ से रेगुलर बसें चलती रहती हैं। तो आपको साधारण बसें भी मिल जाएगी, वॉल्वो बसें भी मिल जाएंगी और कई एसी बसें भी चलती रहती हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बस से सफ़र करने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। और अगर आप बात की जाए ट्रेन की, तो ट्रेन से आप कालका तक आ सकते हैं और कालका से जो टॉय ट्रेन चलती है वो सीधा शिमला तक जाती है, उससे पहुँच सकते हैं शिमला। कालका से शिमला की दूरी 86 किलोमीटर है, लेकिन टॉय ट्रेन काफ़ी धीरे चलती है तो उसको ये सफ़र करने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। अब अगर बात की जाए फ्लाइट की, तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट आपको शिमला तक के लिए मिल जाएगी। शिमला का एयरपोर्ट शिमला सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, तो इस तरह से आप तीनों ही तरीकों से पहुँच सकते हैं शिमला में और घूम सकते हैं यहाँ के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।